आप सभी का फिर से हमारे चैनल पीपी ब्लॉग में। और इस वक्त मैं हूँ गुड़ियारी पड़ाव में, जहाँ का झांकी दुर्गा जी, जहाँ के गणेश जी बहुत अच्छे होते हैं। और इस बार यहाँ पे वृंदावन की झांकी बनी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी 20 रुपए। तो ये तो पूरी तरीके से लूट है, इससे पहले मैंने रायपुर में कहीं नहीं देखा है कि ऐसे झांकी देखने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। और हम लोगों ने भी कटवाई है टिकट, अब इतने दूर आए तो देख लेते हैं। बस भूल रहे हैं, अंदर कोई इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी वीआईपी गेट एक ही गेट है, उसमें भी लिख दिया वीआईपी एंट्री, फिर भी आप आ सकते हैं देखना। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसी बनी है झांकी। सकते हैं एंट्री से ही एकदम अंधेरा है, बिल्कुल लाइटिंग बहुत कम है और यहाँ पे एकदम अंधेरा अंधेरा सा है। और सबसे पहला जो यहाँ पे नज़ारा दिख रहा है, वो दिख रहा है कि कृष्ण भगवान, छोटे से कृष्ण भगवान को वासुदेव जी टुकनी में बैठा के और जो विशाल यमुना नदी है उसको पार करते हुए लेके जा रहे हैं नंदगांव। और बहुत ही सुंदर दृश्य है। और यहाँ पे साउंड वाउंड भी है, साउंड इफेक्ट भी डाला गया है, जो बिल्कुल वैसे ही डाला गया है कि एकदम जैसे हम टीवी में देखते हैं वैसा लगेगा आपको। नज़ारा है। और आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी झोपड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कृष्ण भगवान जी अपने दोस्तों के साथ माखन चोरी कर रहे हैं, अपने दोस्तों के ऊपर चढ़ के माखन चुरा रहे हैं। उसके बाद आगे चलते तो आगे आपको दिखेगा कृष्ण भगवान जी छोटे से है लल्ला, और उनकी मैया उनको डांट रही है मक्खन चुराने के लिए, और वो बोल रहे हैं नहीं 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 मैंने तो मक्खन नहीं चुराया। तो ये वाला दृश्य भी हम अक्सर टीवी पे देखते हैं और उसको यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके बाद आगे यहाँ पे दो भाइयों को उन्होंने वृक्ष योनि से दिलाई, वो वाला नज़ारा है। और एक तरफ आप देख सकते हैं कालिया नाग का दृश्य दिखाया गया है, जो कृष्ण भगवान जी बॉल लेने के लिए नदी में कूद जाते हैं और कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हैं। तो उस तरह का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद एक जगह पे आपको दिखेगा कि वो कितने बदमाश थे जो कृष्ण कन्हैया, कितने नटखट थे, और वो जो गोपियां हैं उनके वस्त्र चुरा लेते थे। तो वो वाला नज़ारा भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि और कौन सी लीला आपको दिखेगी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कृष्ण भगवान जी अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ खूब मज़े से रासलीला कर रहे हैं। और रासलीला तो मतलब कृष्ण भगवान का जब हम टीवी पे देखते हैं तो एकदम बहुत आनंद आ जाता है कि वो गोपियों के साथ कितना आनंद लेके रासलीला कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से दिखाया गया है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कृष्ण जी राधा मैया के साथ झूले पे झूला झूल रहे हैं। और उसके बाद आपको गणपति बप्पा के दर्शन होंगे। देख सकते हैं पूरे गोल्डन गोल्डन कपड़े में गणपति बप्पा विराजे हैं, बहुत विशाल रूप है इनका। और आखिरी में हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा होली खेलने का नज़ारा। और यहाँ पे आप अपना फ़ोन वोन थोड़ा बचा के चलिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ जो है वो पानी की बौछार आ रही है और आप बहुत भीग भी सकते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आएगा क्योंकि अंदर इतनी गर्मी गर्मी सी पूरा टनल हम क्रॉस करके आए हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया, एकदम आपको फुहार से आप भीग जाएंगे। तो ये यहाँ पर एकदम मज़ा आया मेरे को, सबसे लास्ट का ये पार्ट एकदम मज़ेदार लगा। यहाँ पे बिल्कुल एकदम होली खेल रहे, जब होली में फील आता है वैसा ही होली में फील आया, तो बहुत ही बढ़िया था ये। तो ये झांकी अभी तक आप लोगों ने यहाँ की झांकी नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर आए, 2-3 दिन अभी बचे हुए हैं गणपति विसर्जन में, तो आप यहाँ पर आके इस झांकी का मज़ा ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। थैंक यू।